हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को समृद्धि कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं साबुत मूंग की कचौड़ी बनाऊंगी। मूंग को मैं रात भर के लिए भिगो कर रखी थी, इसे साफ पानी से धो ली हूँ। और इधर मैं एक टमाटर को ग्रेट कर ली हूँ, हरी मिर्च, अदरक लहसुन और एक प्याज है, उसे बारीक चॉप कर ली हूँ। चलिए मैं अब बना कर के दिखा रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, इसमें थोड़ी सी जीरा, एक चुटकी हींग डाल रही हूँ। और इसी में मैं चॉप किया हुआ हरी मिर्च को डाल देती हूँ। अब मैं प्याज चॉप करके रखी थी उसे डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मैं भून लूँगी। गोल्डन ब्राउन होने तक और अदरक लहसुन का जो मैं ग्रेट करके रखी थी उसे डालती हूँ। नमक एक चम्मच, और एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर। अब इसे अच्छे से मैं चला लेती हूँ। अब मैं इसी में टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। और इसे अच्छे से चला करके और मूंग को जो मैं भिगो कर रखी थी उसे डाल देती हूँ। आप चाहे तो कुकर में एक सीटी लगा भी ले। कोई कोई मूंग जो होती है वो जल्दी नहीं गलती है। ये कढ़ाई में भूनते भूनते ही थोड़ी थोड़ी सी पानी डालूंगी तो ये गल जाएगी। देखिए, थोड़े देर के लिए मैं कवर कर दी थी और इसे फिर से मैं चलाती हूँ। अब मैं थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ और इसे चला करके अच्छे से। इसमें मैं थोड़ी सी आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। इसे कवर कर देती हूँ एक दो मिनट के लिए। और इधर मैं एक कटोरी मैदा ली हूँ 200 ग्राम के लगभग, और एक कटोरी गेहूँ का आटा है, ये भी 200 ग्राम है। और इसमें मैं एक चम्मच छोटी चम्मच नमक डाली हूँ और थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके, और 4 चम्मच के अकॉर्डिंग रिफाइंड ऑयल है मोइन के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से मेरा आटा होना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे पानी डाल करके इसे डो तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, एकदम रोटी के आटा से भी सॉफ्ट होनी चाहिए। मैं इसे कवर कर देती हूँ कुछ देर के लिए। और इधर देखिए, मेरा स्टफिंग तैयार होने ही वाला है। इसमें मैं थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसे चला करके एक मिनट के लिए फिर से कवर कर दूँगी। और अब मैं इसे मैशर की मदद से थोड़ी सी मैश लेती हूँ ताकि स्टफिंग मेरे अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से होना चाहिए। अब चलिए मैं कचौड़ी तैयार करके दिखाती हूँ। आटे को थोड़ी सी और मिला लेती हूँ।
एक छोटा सा पेड़ा हमें तैयार करना है और इसे गोल गोल घड़िया बना लेना है, हल्की हल्की मैदा लगा करके। मैं स्टफिंग को इसमें भर देती हूँ। ज़्यादा नहीं स्टफिंग लेनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कम। इसे दबा करके हाथों से धीरे धीरे और बंद कर दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से खींच करके हमें काटना चाहिए ताकि कचौरी हमारे फटे ना। ये टिप्स बहुत अच्छी है, इससे कचौरी फटती नहीं है, आप याद रखिएगा। और हाथ से ऐसे दबाने से अच्छा है, मैं गलती की हूँ, आप लोग थोड़ी सी बेलन से दबाएं तो और भी ज़्यादा खिलेगी कचौरी। पहले गैस के फ्लेम को लो रखना है और लो पर ही 5 मिनट तक के पकाना है। जब खुद से ये खिलने लगे धीरे धीरे कचौड़ी, तब हमें चलाना है। जल्दी जल्दी चलाएं नहीं। ये देखिए, कचौड़ियाँ खिलने लगी है। अब मैं गैस के फ्लेम को तेज करती हूँ। ये देखिए, हमारी कचौड़ी तैयार हो गई। अब मैं निकाल लेती हूँ। अच्छी बनी हुई है ना? आप लोग ज़रूर बेलन से ही थोड़ी थोड़ी इसे बेलिएगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। देखिए, मैं एक कचौड़ी को तोड़ करके दिखा रही हूँ। बाज़ार से अच्छी घर पे बनती है खास्ता, और कोई नुकसान भी नहीं करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।